2024-25 का बजट दिशाहीन, निराशाजनक उबाऊ है। कल भी है, बजट में दलित, किसान, युवा, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। 8 फरवरी 2024 को जो घोषणाएं की गई थी उन पर 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। 70,000 नौकरियों की बात 8 फरवरी को की गई थी, लेकिन एक पद की भर्ती भी आज तक नहीं निकाली, यदि निकाली है तो कोई बताए। हाईटेक सिटी का क्या हुआ, 500 इलेक्ट्रिक बस का क्या हुआ, लखपति दीदी का क्या हुआ, अटल उद्यमी योजना का क्या हुआ, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के बारे में सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा जो 10 लाख का था उसके बारे में सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी को 2024 का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि हालात आज ही खराब हैं। और विद्युत विभाग जिन्होंने 10 वर्षों में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की है, बात ये 2031 और 32 की करते हैं, लेकिन आपको मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 31-32 तक आपको रहने कौन देगा। पिछले 6 महीने में विद्युत आपूर्ति बाधित है। पूरे प्रदेश के अंदर जयपुर से लोड सेटिंग के जरिए विद्युत कट लगते हैं, शहर ग्रामीण के अंदर विद्युत कट है वो लगते हैं। प्रभात नगर सूरतगढ़ के अंदर 132 kV GSS का 1 जून को उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक आउटपुट है वो निकल नहीं रही है। भोपालपुरा रत्तासर के अंदर अध्यक्ष महोदय पिछली बार बजट जब विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले जब सत्र चल रहा था तब मैंने प्रश्न लगाया था कि 33/11 GSS का क्या है, और उत्तर दिया गया था कि कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है, शीघ्रता शीघ्र पूर्ण किया जाना है। लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज तक एक ईंट भी इन दोनों GSS पे नहीं गिरी है। विद्युत विभाग के पास LT लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, किसानों को 6 घंटे विद्युत आपूर्ति जो उससे पहले मिलती थी अब 2-2 घंटे विद्युत आपूर्ति किसानों को होती है। आटा चक्की वाला आटा नहीं पीस पा रहा है, वाटर वर्क्स पानी नहीं दे पा रहा है, और भारी उमस और गर्मी के कारण बुजुर्गों और बच्चों का बहुत बुरा हाल है। महोदय बजट के अंदर 5 करोड़ सड़कों का देने का जिक्र किया गया, पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हर एक साल के अंदर 10 करोड़ रुपए सड़क के दिए थे, आपने उस बजट को आधा किया है, और आधा करने के साथ ही आपने इधर जो सारे विधायक बैठे हैं इनको किसी से न पूछ करके, और आप लोगों ने अपने आप अधिकारियों ने इस बजट को देने का काम किया जिसका काम आज तक शुरू हुआ नहीं है। 3 करोड़ का अन्य आधारभूत ढांचे को आप लोगों ने लेकर के दिए, उसका आज तक CO जिला परिषद के पास आपका काम आज तक पहुंचा नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय भाषा अकादमियों का उन्नयन के बारे में आपने बजट के अंदर जिक्र किया है, लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता आप कब देंगे? राजस्थानी भाषा के अंदर के स्कूलों के अंदर राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, PhD हो रही है, लेकिन राजस्थानी भाषा पर राजस्थान की सरकार एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि संविधान को नहीं मानने वाले लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र इस संविधान के अंदर किया है, लेकिन आप इस बात को भी यानी ध्यान कर लें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को संविधान भेंट किया था उस समय कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो उसे लागू करने वाले लोगों की नियति साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। और ये आज पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक कर रहा है। आंगनबाड़ी के भवन आपके पास है नहीं, सामुदायिक भवनों के अंदर, स्कूल भवनों के अंदर और अन्य स्थानों पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कानून व्यवस्था का जिक्र भी आपने किया है, लेकिन सूरतगढ़ के अंदर एक नाबालिग बच्चे को प्रदीप शर्मा को झूठे अवैध हथियार के मुकदमे के अंदर यहाँ की पुलिस ने फंसाया है और उस पर यहाँ के मंत्री कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। सवाईमाधोपुर खंडार के अंदर रामकिशोर प्रजापत की हत्या की गई, उसकी बेटी का अपहरण किया गया, नाबालिग को उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद यानी पुलिस ने नहीं सुनी, उसकी हत्या कर दी, लेकिन आज तक उस पर कोई निष्कर्ष यानी कार्रवाई नहीं है। सूरतगढ़ के अंदर नकली सरसों का ट्रक है वो पकड़ा गया है। रीडी सोसाइटी डूंगरगढ़ से एक ट्रक सूरतगढ़ के अंदर गया जिसको जब वहाँ के हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने जब सरसों को हाथ में लेकर उसमें पानी डाला तो वो सारा का सारा रेत बन गया। इस तरह की हालात आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गंगा नहर हनुमानगढ़ के अंदर बाखड़ा और गंग नहर में शेष जो खाड़े बनने हैं उनको मात्र 10 करोड़ रुपए का बजट आपने दिया है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि सारे के सारे खाड़े लगभग 30-35 साल पुराने बने हुए हैं और वो खाड़े यदि नहीं बने तो वो पानी किसानों को पूरा मिलने वाला नहीं है। गंग नहर के अंदर 2500 क्यूसेक पानी की जगह 1000 कभी 1300 क्यूसेक पानी चलता है, IGNPA के अंदर 18000 की जगह 11000-12000 क्यूसेक पानी चलता है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दूंगा, और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। लेकिन मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान कितना पानी जा रहा है, इसका आंकड़ा आपको जारी करना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान जा रहे पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, और इधर राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों को ये पानी है वो मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ व्यास और सतलुज नदी का जो पानी है हरी के बैराज पर, वहाँ केमिकल युक्त पानी है वो मिलता है, जिससे पूरे गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक कैंसर है वो फैल रहा है। मैं फसल बीमा निगम के फसल जो बीमा है उसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि आज तक जो फसल बीमा है वो बीमा कंपनियां देती नहीं है और किसानों को बार बार चक्कर कटवाने का काम करती है। तूफान 6 जून को सूरतगढ़ के अंदर और आसपास के अंदर जो तूफान आया था, उस तूफान के मुआवजे के बारे में या नुकसान के बारे में आप लोगों ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज पूरे देश का किसान दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली इसलिए जाना चाहता है क्योंकि आपने ही कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन 10 साल बाद आपने लागू की नहीं। आपने कहा था कि हम MSP लागू करेंगे, लेकिन आपने लागू की नहीं, इसलिए देश का किसान दिल्ली जाकर के आपसे बात करना चाहता है। आपने कहा था कि किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक दुगनी की बात तो छोड़ो, जो किसानों की जेबें खाली खाली करने का काम आपने किया है। अन्नपूर्णा किट का जिक्र आपने किया नहीं, अन्नपूर्णा रसोई का पैसा आप लोगों ने घटा दिया, चिरंजीवी योजना का दायरा आप लोगों ने घटा दिया, और घरेलू फ्री बिजली की बात आप लोगों ने की नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर फ्री दवाई की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। फ्री जांच की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। चिरंजीवी योजना को 5 लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। 5 लाख को बढ़ा करके 10 लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। और 10 लाख को बढ़ा करके 25 लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। आपने उसको बढ़ाने के बजाय घटाने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र आपने किया, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की पेंशन शुरुआत किसने की? 500 रुपए अशोक गहलोत साहब ने। 500 को बढ़ा करके 750 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। और 750 से बढ़ा करके 1000 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। 15% बढ़ाने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया था, लेकिन आपने सिर्फ 15% बढ़ाई है, आपने नया कुछ नहीं किया है। अंकित नहीं हो।